नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। और ख़ास करके आज के लिए मैंने कुछ लेवल्स दिए थे, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लेवल अचीव हुए हैं। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं और ख़ास करके उन लोगों को कुछ मैंने ट्रेड दिया था और देखा देखा उन लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी कुछ मैंने ट्रेड दिया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और मैंने पहले काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा था कि आप दूर को कोई स्ट्राइक प्राइस आप एक पुट खरीद के छोड़ सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट आपको बन सकता है। 20-25 रुपये में कोई भी पुट अगर मिल रहा है दूर, आपका फेबर मंथ का एक्सपायरी, और अच्छा पैसा आपको बन सकता है। मैं ये आपको पहले से बोल रहा था और आज काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। कोई कोई 4-5 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, कोई कोई 1.5 लाख का प्रॉफिट, कोई कोई 60,000 का प्रॉफिट बुक किया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, तो उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने मेरा एडवाइस को एक्सेप्ट किया। और उसके साथ चलिए हम लोग देखते हैं इंट्राडे पर जो लोग ट्रेड करते हैं उनको भी काफ़ी अच्छे लेवल दिए थे, और हम लोग लेवल डिस्कस नहीं करेंगे। एक थोड़ा सा जो भी लेवल दिया था उनको मैं थोड़ा रिपीट करूँगा सिर्फ, और वो मार्केट में आज ट्रेड हुआ है नहीं हुआ है वो आपको खुद देखना है। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं आईटीसी से। आईटीसी से शुरू करने से पहले आप सभी को निवेदन जरूर करना चाहूँगा दोस्त, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर वीडियो को शेयर करना। और साथ ही साथ काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, अगर अभी तक कोई इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप मेरा मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हो। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको कॉल जाएगा, उसके साथ आपको बातचीत करने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए हम लोग लेवल्स के ऊपर चलते हैं। कल हमने आईटीसी के ऊपर क्या लेवल दिया था, और प्लीज़ आपको याद रखिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए। वीडियो स्किप करने से काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन छूट जाता है और आप लोग देख रहे हो कि मैं कैसे लेवल दे रहा हूँ और कैसे लेवल अचीव कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही लेवल्स आपको चाहते हो, वीडियो को स्किप मत करें, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए और अच्छा पैसा ज़रूर बनाइए। चलिए हम लोग फिलहाल चलते हैं, मार्केट अभी आईटीसी एक अच्छे पैटर्न पे दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये जो लेवल है इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट कहाँ पर ये ब्रेक कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आज के लिए मैंने क्या लेवल दिया था वो भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। 20575 का सपोर्ट, 208 का रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने आज क्या किया है आपने देखा होगा, करीबन 208.80 का टॉप लगा है और लो लगा है 203 का, यानी कि सॉरी 202 का, 201 का हमने 201 का सपोर्ट हमने लिया था, सॉरी 201 का सपोर्ट हमने प्लान किया था, बट मार्केट ने 202 पर सपोर्ट ले लिया। तो गाइज जो भी लेवल आपको देता हूँ, खास करके आज के लिए जो लेवल दिया था वो लेवल अचीव हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कल का वीडियो एक बार देख लीजिए, और आज मार्केट पर वो ट्रेड हुआ है या नहीं हुआ है आप मार्केट को टैली कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं लेवल्स के ऊपर। लेवल क्या रहेगा कल के लिए, मंडे के लिए क्या लेवल रहेगा, मंडे हम कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल पर बाय सेल करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। आईटीसी का सपोर्ट रहेगा 202 का। देखिए सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी नियरेस्ट है, मैं सजेस्ट करूँगा सेल करने के लिए आप थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट एक एक पॉइंट के नीचे सपोर्ट है। जैसे कि 202 पर एक सपोर्ट है, 202 के नीचे जाएगा तो 201 पर और एक सपोर्ट है, 201 के नीचे जाता है तो 200 का एक सपोर्ट है, एंड 200 का एक फाइनल सपोर्ट हिसाब से काम आएगा। जैसे 200 के नीचे मार्केट जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, 200 के नीचे मार्केट जैसे ही जाएगा तो आपको यहाँ पर एक बड़ा टारगेट मिल सकता है 10, एक मिनट, आपको यहाँ पर एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, वो है आपका 196 रुपीज़ 90 पैसा के आसपास आपका टारगेट रहेगा। याद रखिए 202 का सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा 201 पहला टारगेट, 200 का दूसरा टारगेट, और 200 को जैसे ही ब्रेक करेगा राउंड लेवल के नीचे जैसे ही जाएगा आप सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 196 रुपीज़ 90 पैसा, 193 रुपीज़ 55 पैसा के आसपास भी ये दोबारा आ सकता है। खास करके एक फरवरी को आपको बजट का दिन है, तो याद रखिए मार्केट काफ़ी वोलाटाइल हो सकता है।
आपको क्वांटिटी कम करके हर वक्त ट्रेड करना चाहिए। सेफ्टी है मार्केट पे, अगर आपको डर लग रहा है कि स्टॉप लॉस अगर आपको लग हिट हो सकता है, अगर आपको ये लग रहा है तो मार्केट में आप एंटर करने से अवॉइड कर रहे हैं, मार्केट को एक बार अवॉइड करें, बाय हो सेल हो मार्केट को आप एक दिन के लिए अवॉइड कर रहे हैं। एक दिन अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बड़ा लॉस होने से बेहतर है आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस ना हो, तो अलग दिन आप दूसरे कोई दिन आप ट्रेड करके पैसा निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं सपोर्ट के। सपोर्ट तो देख लिया हमने, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। रेजिस्टेंस रहेगा 208 का, रेजिस्टेंस रहेगा 208 के ऊपर, जैसे ही चलेगा 211 के ऊपर 213 यहाँ पर टारगेट रहेगा। गाइस आई होप आप सभी को लेवल मिला होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे मार्केट पे ज़रूर ट्रेड करें और एक अच्छा पैसा आप मार्केट पे ज़रूर कमाइएगा। चलिए मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे दिया आपको ITC का। अगर लेवल पसंद आ रहा है, लेवल अचीव हो रहा है, प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। ओके नेक्स्ट आपका रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक अभी गिरने के लिए बेकाब हो रहा है, और जैसे कि ये इसका जो पैटर्न आप देखो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे कॉर्व डिज़ाइन बना रहा है, देखो अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये धीरे धीरे करके, ये लेवल अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये लेवल इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित करेगा, और ये लेवल जैसे क्रॉस करेगा कल की डेट पर, डे लो के नीचे जैसे आएगा, काफ़ी अच्छे टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 124 एंड 120 का लेवल आपके लिए रहेगा। तो आज के लिए मैंने क्या लेवल दिया था वो भी एक बार लेवल हम लोग चेक कर लेते हैं। मैंने आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक का लेवल दिया था 129.85 रुपीज़ के नीचे आता है तो 128 का पहला टारगेट, 126 का दूसरा टारगेट। तो मार्केट ने 127 का लो बनाया है, बट रेजिस्टेंस हमने प्लान किया था 132 के ऊपर जाएगा, 132, 134.70 और 135.50, यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस हम लोग प्लान किए थे, बट मार्केट ने 136 तक जाके नीचे आ गया, यानी कि काफ़ी अच्छे लेवल आपको मिले थे। तो काफ़ी लोगों को पैसा कमाने का मौका ज़रूर मिला होगा, और काफ़ी लोग को पता चला होगा कि मार्केट में कैसे काम करना है और पैसा कैसे बनाना है, ये आपको सही से पता होगा। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ डाउट होगा कि मार्केट पे कैसे एंट्री लेना है। तो गाइस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देता हूँ, उस हिसाब से आप काम कर रहे हो आप लोगों को हैट्स ऑफ, और उसके साथ साथ आपको सिखाता हूँ, आप लोग कैप्चर सीख जाते हो मेरे, मैं जो पॉइंट कहता हूँ उन एक एक पॉइंट का फॉलो करते हो, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए हम लोग चलते हैं लेवल के ऊपर, और मंडे क्या लेवल हो सकता है ध्यान रखिए, मंडे आपका बजट का दिन है और काफ़ी मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, तो आपको एक चीज़ को ध्यान देना है, क्वांटिटी छोटा रखो और ट्रेड लो। अगर मार्केट में डर लग रहा है तो प्लीज़ अब मार्केट को अवॉइड करो। भारत इलेक्ट्रॉनिक का सपोर्ट रहेगा 127 का, और जैसे ही 127 के नीचे चला जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक, आप सेल कर सकते हो। टारगेट रहेगा 124, 120.60 रुपीज़ एंड 115 तक भी आ सकता है। और ये सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस रहेगा 131.50। जैसे 131.50 के ऊपर चलता है रेजिस्टेंस के ऊपर, बाय कर सकते हो। 134.40, 136 तक टारगेट रहेगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा हर एक रेजिस्टेंस के नीचे अगर मार्केट सपोर्ट मार्केट अगर होल्ड करता है तो आप वहाँ से सेल कर सकते हो, अच्छा पैसा बन सकता है आपको। आई होप आपको लेवल समझ आया होगा, जो भी लेवल दे रहा हूँ मार्केट्स अभी कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेने के लिए बट सपोर्ट नहीं ले पा रहा है। आज का डे लो के नीचे चलता है 127 के नीचे, तो काफ़ी बड़ा गिरावट आ सकता है 124 और 120 के आसपास। लेवल दे दिया हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे दिया हूँ, उन्हीं के हिसाब से मार्केट पर काम करके पैसा ज़रूर कमाइएगा। चलिए नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा स्टॉक रहेगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके नहीं चलते हैं NTPC के ऊपर, और माफ़ी चाहूँगा कल के डेट पर मैं NTPC का कुछ लेवल नहीं दे पाया, और मुझे एक मैडम ने याद दिलाया कि साहब का NTPC का लेवल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। मैंने टाइटल दे दिया बट NTPC का लेवल मैंने स्किप कर दिया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए हम लोग मंडे के लिए देखते हैं, मंडे के लिए क्या लेवल हो सकता है NTPC के ऊपर, और कौन से लेवल पर हम उसको ट्रेड कर सकते हैं मंडे, वो भी हम लोग देखेंगे।
चलिए मंडे डे आपका डे लो 88.20 आपका सपोर्ट का काम करेगा, सॉरी NTPC आपका 88.20 रुपीज़ सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे जैसे ही जाएगा पहला टारगेट आपको यहाँ पर रहेगा 86.90 का पहला टारगेट 86.90 आपका यहाँ पर टारगेट नेक्स्ट टारगेट रहेगा 86.90 आपका टारगेट रहेगा। और उसके बाद 86.90 के नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पर और दो टारगेट रहेंगे 85.60 एंड 83। ये टारगेट आपके नीचे हो सकते हैं, तो याद रखिएगा सपोर्ट के नीचे जैसे ही जाएगा शॉर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, अच्छा पैसा बनेगा। बट आपको मैं जो लेवल दे रहा हूँ उन लेवल से पहले आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। याद रखो 88.20 रुपीज़ के नीचे चले सेल करो 86.90 रुपीज़, 85.60 रुपीज़ एंड 83 रुपीज़, यहाँ तक टारगेट रहेगा। और रेजिस्टेंस की बात कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 90.30 रुपीज़, 90.30 रुपीज़ के ऊपर जैसे ही जाएगा बाय करो 92.60 रुपीज़ एंड 93 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। और अगर हर एक रेजिस्टेंस के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करते हुए देखने को मिले दोबारा सेल कर सकते हो, सपोर्ट के आसपास आपका टारगेट रहेगा। आई होप गाइज आपको लेबल अच्छे लग रहे होंगे। अगर लेबल अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ जरूर शेयर करो वीडियो को। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा स्टॉक रहेगा, कौन से लेवल पर उसको ट्रेड ले सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड पर मैंने कुछ लेबल दिया था, अगर आपने गौर से उन लेबल को फॉलो किया होगा तो काफ़ी काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट बना होगा। क्योंकि हमने कल 111 का सपोर्ट हमने प्लान किया था आज के लिए, 111 के नीचे चलेगा 109 का टारगेट था और 113 और 115 के आसपास एक टारगेट भी था, सॉरी 113 के ऊपर चलेगा, 113 के ऊपर चलेगा, 115 एंड 116 का टारगेट हमने प्लान किया था। तो हमारे प्लानिंग की अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड दिया है, अच्छा पैसा बना है। ओपनिंग तो कर दिया 114.50 रुपये पर, उसने हमारा रेजिस्टेंस को हिट किया। क्योंकि हर वक्त मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस को एक बार क्रॉस करने दीजिए, अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करने में कामयाब होता है, सस्टेन करता है, बाय कर सकते हो। अगर अनसक्सेसफुल होता है मार्केट, अगर रेजिस्टेंस के नीचे स्ट्रगल करता है तो समझ लेना चाहिए आपको कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है और उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो आप वहां से सेल करके अपना टारगेट को डाउनसाइड जहां पर भी फिक्स कर सकते हो। तो एनीवे हमने जो प्लान किया था 111 के नीचे 109 का भी टारगेट हिट हुआ है। तो हम लोग मंडे के लिए देखते हैं मंडे क्या लेवल हो सकता है, कौन से लेवल पर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं और वो लेवल्स हम कैसे फाइंड करें वो देखते हैं। फिलहाल 109 जिसे कि डे लो 109 का सपोर्ट रहेगा और ये 109 का सपोर्ट आपके लिए एक फाइनल सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। 109 के नीचे 109 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 105, सॉरी 106 का टारगेट रहेगा, 106 का, और नेक्स्ट रहेगा 103, और 103 के नीचे जाता है तो 101 एंड 99, यहाँ तक लेवल रहेगा। याद रखो अशोक लेलैंड का सपोर्ट रहेगा 109, 109 के नीचे जाता है सेल करो, टारगेट रहेगा 106, 103, 101 एंड 99, यहाँ तक टारगेट हो सकता है। और मैंने सारे लेबल आपको बता दिया हूँ, खास करके इन लेबल के ऊपर आप ज़रूर सही से ट्रेड करो और एक अच्छा पैसा बनाओ, यही मैं चाहता हूँ। और रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस आपका रहेगा 113 के ऊपर जाएगा 116.50 रुपीज़ एंड 118 रुपीज़ आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। आई होप सारे लेबल आपको पसंद आते हैं और मुझे पता है आप लोग सारे लोग बहुत मेहनत करते हो ट्रेड करने के लिए, बट आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, मार्केट को स्टडी करो, आप मार्केट के हिसाब से चलो ना कि मार्केट आपके हिसाब से चले। मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो, मार्केट के हिसाब से आप चलने की कोशिश करो। मार्केट जैसे मोमेंटम करता है वैसे मोमेंटम आप मतलब ट्रेड लेके प्रॉफिट कमा सकते हो। एनीवे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बता दिया हूँ अशोक लेलैंड का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना,
एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा स्टॉक रहेगा और उन स्टॉक पर कैसे मोमेंटम हो सकता है वो भी हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पर क्या लेवल हो सकता है वो भी देख लेते हैं और टाटा मोटर्स का आज के लिए मैंने क्या लेवल दिया था वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। 259 का सपोर्ट दिया था, 259 के नीचे चलेगा तो सेल करो, 251 एंड 241 का टारगेट था, 266 के ऊपर चले तो बाय करो, 273 एंड 275 का टारगेट था। बट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, 273.55 के ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा नीचे लो लगाया 72 पर और ऊपर भागने लगा, यानी कि हमारा 275 तक का टारगेट था उसने 78.75 तक हाई बनाया है। बट उसके बाद मार्केट जैसे नीचे गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पर हमारा टारगेट जो था 259 का सपोर्ट, वो सपोर्ट पर मार्केट ने होल्ड किया यानी सपोर्ट ले लिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर वक्त प्लान करो, मार्केट को जाने दो, जहाँ जा रहा है उसको फॉलो करो। मार्केट अगर रेजिस्टेंस के आसपास जाता है वेट करो, वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दो, अगर क्रॉस करता है तो बाय करना है, अगर क्रॉस नहीं करेगा तो सेल करो, सपोर्ट के आसपास आपका टारगेट रखो, अच्छा पैसा बनेगा। तो चलिए हम लोग मंडे के लिए देखते हैं लेवल क्या रहेगा टाटा मोटर्स का, कौन से लेवल पर उसको ट्रेड कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, मेरे हिसाब से अभी भी मेरे पास लेवल है 259 का, 259 का लेवल अभी भी मेरे पास है। अगर 259 के नीचे चलता है तो 259 के नीचे चलता है तो 251 के नीचे चलता है तो 241 यहाँ तक टारगेट हो सकता है। और अगर 42 के नीचे भी चलता है, सॉरी 241 के नीचे 238 यहाँ तक भी टारगेट हो सकता है। याद रखिए सपोर्ट आपका रहेगा 259 का है। हाँ, हो सकता है आज का डे लो 260.60 पैसा पर है, बट मैं मानता हूँ कि 259 का सपोर्ट आपका होना चाहिए। जैसे 259 के नीचे चलता है मार्केट, सेल कर सकते हो, जहाँ तक टारगेट मैंने दिया हूँ वहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 269.70, 269.70 के ऊपर चलता है बाय करो, 273 के ऊपर चलता है 279 यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। गाइस जो भी लेवल दे रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उनको आप सही से फॉलो करो और मार्केट पे उन्हीं लेवल के ऊपर आप ट्रेड करो, एक अच्छा पैसा बनेगा। क्योंकि हर वक्त मैं कहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे मार्केट पे ट्रेड करो और पैसा कमाओ, क्योंकि मार्केट आपको पैसा कमाने के काफ़ी सारे पॉइंट आपको बताता है। तो जैसे मैं आपको सिखाया हूँ, जिनको भी सिखाया हूँ, जो लोग में नॉलेज है उनको पता चला होगा कि मार्केट पे कैसे काम करना है। तो प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा सही तरीके से फॉलो करो मार्केट को और अच्छा पैसा ज़रूर कमाओ। चलिए और एक स्टॉक पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉक रहेगा डीएलएफ। डीएलएफ में भी कुछ लेवल आपको मैंने दिया हुआ था, 257 का सपोर्ट, 251 एंड 245 का टारगेट मैंने दिया था एंड 262 के ऊपर चलता है 269 के आसपास टारगेट रहेगा। तो मार्केट ने यहाँ पर करीबन 265.45 एंड 253 के आसपास लो लगाया, यानी कि हाँ काफ़ी सारा टारगेट हमें मिला है। जो टारगेट हमने प्लान किया था एक दो पॉइंट से वो टारगेट छूटे हैं, तो फिर भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला है, वो आपको देखने को मिला होगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं मंडे क्या हो सकता है, कौन से लेवल पर आप उसको ट्रेड कर सकते हो। 253 का सपोर्ट रहेगा, जैसे ही 253 के नीचे चलता है छोटा टारगेट रहेगा 251 का। याद रखो 251 के नीचे जैसे जाएगा 245 के नीचे 240.60। याद रखो 253 के नीचे जाएगा तो 2 रुपये का टारगेट रहेगा 51 तक, 251 के नीचे जाएगा तो 245 एंड 242.60 तक टारगेट रहेगा। एंड रेजिस्टेंस की बात कहूँ तो 259 के ऊपर जैसे ही चलेगा 265.50 एंड 269.65 के आसपास टारगेट रहेगा। उससे ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल मैं नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट गिरने के लिए बेकाब है
और मार्केट काफ़ी नीचे आ सकता है। तो गाइस जो भी लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सारे लेवल आपको मैंने क्लियरली बता दिया हूँ। प्लीज़ वीडियो को सही से देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में ज़रूर कमाइएगा। खास करके मंडे के दिन बजट आने वाला है और मार्केट काफ़ी वोलाटाइल हो सकता है, तो टारगेट ज़्यादा बड़ा मत रखो, क्वांटिटी छोटा क्वांटिटी लेके आप ट्रेड कर सकते हो। आज के लिए इतना फ्रेंड, धन्यवाद।